हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता वेदांतु से, और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का जो सेशन है वो ऐसा सेशन है जो मैं नॉर्मली एज एन एजुकेटर लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट, एज एन एजुकेटर मुझे ये बोलना चाहिए दैट स्टडी एवरीथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और एज अ स्टूडेंट आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। बट कुछ बच्चे, मुझे पता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, हो सकता है कोई पर्सनल इशू है, आपको SSC सच में नहीं पसंद, या जो भी आपका रीज़न है, आप सोशल स्टडीज़ आपने अभी तक ठीक से पढ़ी नहीं है और अभी आपकी बहुत बुरी हालत हो रही है, शायद आपको बहुत डर लग रहा है, आपके सामने बुक्स रखी है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर करे, कौन सा टॉपिक करे, और पढ़ने भी शुरू करते हो तो फिर समझ कुछ नहीं आता है, कोई मैराथन भी देखने बैठते हो तो लगता है बहुत सारा है, कैसे याद करेंगे। तो आज का जो सेशन है छोटा सा है, उसी के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं और उन चैप्टर्स में भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको उठाने हैं, क्योंकि यूजुअली उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आता है। मैं ये तो गारंटी नहीं कर सकती कि आप टॉप करोगे, वो तो नहीं करोगे क्योंकि आप पूरा सिलेबस करके ही नहीं जा रहे हो ठीक से, है ना, बट मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि ये सब करने के बाद यू विल पास एंड यू विल प्रॉबेबली गेट बेटर देन वॉट यू थॉट, है ना। अभी जो आपकी सिचुएशन है कि आप पानी के नीचे, उससे थोड़ा सा आप ऊपर हो गया, बच पाओगे, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से हैं उन चैप्टर्स में जो आपको कवर करने ही करने हैं, एंड आई एंश्योर कि भैया कुछ ना कुछ आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, मतलब उन चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, हिस्ट्री में मैंने पहले भी बोला है, दो चैप्टर्स हैं जो आपको मिस नहीं करना है, एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और एक है नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आपने अभी तक SSC ठीक से पढ़नी शुरू नहीं की तो आई वुड से कि बाकी जो तीन चैप्टर्स है शायद उसको बहुत डिटेल में मत जाओ। एज ऑफ ग्लोबल कमिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस पॉइंट पे अगर आप पहली बार कोई टॉपिक समझ रहे हो तो वो टॉपिक टफ लगेगा। प्रिंट कल्चर फिर भी थोड़ा ईजी है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर भी थोड़ा ईजी है, बट इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद दीज टू चैप्टर्स, इन दो चैप्टर्स में भी बहुत लंबे लंबे हैं, आपको क्या करना ही करना है जो आप स्किप नहीं कर सकते। एक है नेपोलियन का सिविल कोड जो 1804 में आया था, उसके क्या क्या फीचर्स थे रट लो, ठीक है। फिर 1830s में, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है CBSE का, तो तीन रीजंस है क्यों इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ था पुअर का 1830s में, वो कर लो अच्छी तरीके से। यूनिफिकेशन करना जरूरी है गाइज, यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो इटली यूनिफिकेशन हो, जर्मनी यूनिफिकेशन हो या ब्रिटेन यूनिफिकेशन हो। एंड रोमांटिसिज्म भी कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन की तरह कर लो, डिफाइन रोमांटिसिज्म एंड एक्सप्लेन करो कि मतलब रोमांटिक फीलिंग से कैसे नेशनलिज्म हुआ। तो कैरल क्रुपिंस्की, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, तीन चार पॉइंट्स है उसको याद कर लो, ठीक है। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट यू नीड टू डू, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक नहीं बल्कि मैं गारंटी करती हूँ कि दो क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पे। तो गाइस, ये वाला चैप्टर मुझे लगता है आपको पूरा ही कर लेना चाहिए, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बुरी हालत है तो कौन सा करना है। पहले तो भैया 2 मिनट में हो जाएगा आपका, World War I के बाद इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, फिर जब गांधी जी आए तो वो कैसे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा गए। मैप करना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री का, ये ठीक है, मैप करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर का, आपके 2 मार्क्स ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर राउलेट एक्ट और नॉन कोऑपरेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ लो, इतना टाइम नहीं लगेगा लर्न करने में क्योंकि आपके देश के बारे में है, आपने इसके बारे में कभी पढ़ा होगा या मूवी देखी होगी या 8th में पढ़ा होगा तो फेमिलियर लगेगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे किया गया था, फिर उसका स्प्रेड कैसे हुआ, उसको कॉल ऑफ क्यों किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको कैसे क्यों शुरू किया गया था, कैसे स्प्रेड हुआ, क्या क्या पार्टिसिपेशन थी और कॉल ऑफ क्यों किया गया, इतना टाइम नहीं लगेगा, कोई भी एक वन शॉट खोलोगे आप तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन दिस चैप्टर, ठीक है। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बच्चे कहेंगे मैम इसका क्या उसका क्या, गाइस मुझे पता है मैं बहुत सारे टॉपिक्स ना छोड़ रही हूँ, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि इफ़ यू हैव अ फीलिंग कि आप फेल हो जाओगे, कि भैया कोई टॉपिक बता दे कि ये टॉपिक कर ले तो बस पास हो जाए, तो ये है आपके वो टॉपिक्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए सो दैट एक वीडियो में आपका काम हो जाए। अब हम आते हैं सिविक्स पे। तो गाइस, सिविक्स में एक चैप्टर है पावर शेयरिंग का, फर्स्ट चैप्टर है ना, इस पे मोस्टली मुझे ऐसा लगता है केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी टू बी सिक्योर है ना, इसमें एक क्वेश्चन जो दो काफ़ी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है कि पावर शेयरिंग का एडवांटेजेस क्या है, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस दोनों,
टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझ लो, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे तो आप वन मार्कर अच्छी तरह दे दो. तो इसको समझने बेसिक मतलब समझो, हो सकता है आप रटने का टाइम ना हो पर आप समझ जाओ बस, ठीक है. और बेल्जियम और श्रीलंका का डिफरेंस बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म और एकोमोडेशन वाला थोड़ा सा करके चले जाओ लर्न करके, ठीक है. अब हम आते हैं अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सिविक्स का. गाइस ये वाला चैप्टर के ये दोनों जो चीजें हैं ना ये आपको नहीं छोड़नी है. एक तो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंजेस क्या है और उसको रिफॉर्म करने के क्या क्या तरीके हैं. हो सकता है आपको लगे मैम आपने तो सब बोल दिया, बट ऐसा है नहीं गाइस. ये करके जाओ, इस पे क्वेश्चन आएगा. मैं अपना गारंटी देती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी पे क्वेश्चन आएगा. आप पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट और टेबल भी दी है आपकी बुक में. इफ यू आर समवन यू नो हु इज लाइक नहीं हो पाएगा तो मत करो, बट गो थ्रू कर लो कि उस पे एमसीक्यू आ जाए तो आपको थोड़ा आइडिया हो, ठीक है. फिर हम आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. गाइस ये पूरा चैप्टर करना है, छोटा सा चैप्टर है, इस पे 5 मार्कर आएगा, ठीक है. इस पे 5 मार्कर आएगा या पॉलिटिकल पार्टीज पे 5 मार्कर आएगा, दोनों चैप्टर्स में से एक चैप्टर में आएगा ही आएगा 5 मार्कर. इस चैप्टर पे आ जाए तो आपके बल्ले बल्ले. और बहुत इजी चैप्टर है, डेमोक्रेसी की तारीफें लिखी गई है, बहुत ही जनरल सा टाइप चैप्टर है, तो ये करके जाओ, ठीक है. तो सिविक्स में वो दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं. अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं. तो ज्योग्राफी पे हो सकता है मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स बताऊं, लेकिन हर चैप्टर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूं जो आपको करना है. जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में एक पार्ट है रिसोर्स प्लानिंग का, जिसके 3 स्टेप्स है, ठीक है. नॉट ओनली 3 स्टेप्स बट आपको ये भी बोलना है कि रिसोर्स प्लानिंग व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है, कि इंडिया में बहुत अनइक्वल रिसोर्सेज है. तो ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, है ना. सॉइल जो है आप यू कैन गो थ्रू इट एमसीक्यू के लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस सॉइल की ये क्वालिटी है, आंसर क्या. यूजुअली ब्लैक सॉइल पे ही आंसर क्वेश्चन आता है, तो ब्लैक सॉइल ठीक से करके जाना. ब्लैक हो गया और लैटराइट हो गया, ठीक है, ये दोनों ठीक से करके जाना. ऑलराइट, अब हम आते हैं वाटर रिसोर्सेज पे. तो गाइस वाटर रिसोर्सेज का सबसे फेवरेट बोर्ड क्वेश्चन ये है वाटर स्कार्सिटी पे, कि वाटर जो स्कार्सिटी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन कौन प्रेशर डाल रहा है, उसका कंजर्वेशन मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, यू नो कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, ये सब, ठीक है. अच्छा, या फिर क्यों हो रही है वाटर स्कार्सिटी, यू नो दैट इज क्वाइट पॉपुलर. डैम्स के प्रोज एंड कॉन्स आपको 10 मिनट लगेंगे करने में, तो वो भी पढ़ के एक बार जाओ, ठीक है. अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पे. तो गाइज एग्रीकल्चर पे कभी कभी 5 मार्कर आ जाता है कि भैया एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, या यू नो सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके एडवांटेजेस बताओ. थोड़ी तारीफें लर्न करके जाओ, जनरल है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अच्छा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, राबी खारिफ वगैरह ठीक से करके जाना, राबी खारिफ और जायद ठीक से समझ के जाना. क्रॉप्स की अगर बात करो तो गाइज इस पॉइंट पे अगर आप उस वो बच्चे हो ना जो डर रहे हो पास और फेल की, हो सकता है वो क्रॉप्स की टेबल देख के आपको डर लग जाए, तो गो थ्रू इट, जैसे अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको थोड़ा आइडिया हो, ठीक है, एमसीक्यू के हिसाब से जाओ. एंड क्या रटना है आपको, रिफॉर्म्स रटने हैं, ठीक है. क्या पार्ट रटना है, रटना है इस चैप्टर में रिफॉर्म्स रटने हैं. क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है जो सरकार लाई है, और क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जो सरकार लाई है, ठीक है. फिर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे. इस पे भी 2 पार्ट्स है जिसपे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है. एक है व्हाई मैन्युफैक्चरिंग यू नो सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो जो आपके 5-6 है मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, जीडीपी को ग्रो करता है. फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के आपके वो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं. और दूसरा है कि भैया इंडस्ट्रीज क्या क्या करती है, उसके कॉम्बैट कैसे करें, उसके पॉल्यूशन को कंजर्वेशन भाई मेजर्स को क्या करें, वो पार्ट भी बहुत बार आता है, तो वो भी ब्राउज थ्रू कर लेना. दोनों इतने जनरल है कि आराम से हो जाएगा, ठीक है. अब आते हैं लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी पे. तो हो सकता है ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे चैप्टर्स बता रही हूँ, बट गाइस बहुत कम टॉपिक्स बता रही हूँ फ्रॉम ईच ऑफ दीज चैप्टर्स, है ना, तो वो पार्ट करके जाओ. लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में सबसे आसान चैप्टर है क्या करना ही है, आपका एयरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, सबके बारे में उसके प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पढ़ के जाना है. वाई इज रोडवेज बेटर देन रेलवेज, अगेन अनदर फेवरेट सीबीएसई क्वेश्चन, ये करके जाना है. और टाइप्स ऑफ रोड्स करके जाना है, आपके बॉर्डर रोड्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, नेशनल हाईवे हो गया, ये करके जाना, ठीक है. ये कर लिया तो गुड इनफ. बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं चैप्टर में. अगेन गाइस ये सेशन उनके लिए नहीं है जो सब कुछ करके बैठे हैं, है ना, ये सिर्फ उनके लिए जो शायद बहुत घबरा रहे हैं कि पास कैसे होंगे, ठीक है.
अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो गाइस इकोनॉमिक्स में चारों के चारों चैप्टर्स करने हैं आपको। 20 नंबर का इकोनॉमिक्स है, सिर्फ चार चैप्टर है, बट हर चैप्टर में क्या करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। डेवलपमेंट जो है सबसे आसान चैप्टर है, उसमें बेसिक जो आपकी डेफिनेशंस हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डिफरेंस क्या है, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर ऐसे ही पढ़ लो और ये रख लो, चैप्टर पढ़ लो और इसको रख लो, ठीक है। अब हम आते हैं मनी एंड क्रेडिट पे। तो गाइस अगर आप पे आपने सब कर लिया जो मैंने आपको बताया और टाइम है तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में जाना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पढ़ रखा है पहले से, तो आराम से हो जाएगा। जिसमें आपको रटना होगा रोल ऑफ आरबीआई क्या है, हाउ डू बैंक्स अर्न, समझ लोगे तो आराम से लिख लोगे, ठीक है। सो हाउ डू बैंक्स अर्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज ये है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्यों इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रूरल एरियाज में बढ़े, क्यों इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट जरूर करके जाना। ये दोनों जो मैं बोल रही हूँ ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ SHG, इफ यू हैव टाइम आफ्टर दैट डू इट, बट ये तो करना ही करना है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। तो गाइज ये बहुत ईजी है क्योंकि आप सिक्स स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, तीनों में डिफरेंस। टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, उसके रीजंस बड़े आसान है, पढ़ोगे आपको एकदम दिमाग में आ जाएंगे। अब ये पार्ट ध्यान से पढ़ना कि ऐसा क्यों है कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो इतना GDP में, टर्शियरी सेक्टर जो है वो GDP को इतना कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतना कम देता है, तो उसका रीजन पढ़ के जाना। एंड देन हाउ कैन वी एंश्योर कि एम्प्लॉयमेंट बड़े एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आएगा एग्जाम में, आता है बहुत बार। और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस, तो इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बताई है क्योंकि लर्न करना आसान है और इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनल चैप्टर पे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसमें दो चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगी करने को। पहला है हाउ डू MNC सेट अप प्रोडक्शन अक्रॉस नेशंस। तो आपकी बुक में डायरेक्ट 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो लर्न कर लो कि जो बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में आते हैं वो अपना प्रोडक्शन कैसे इंडिया में सेटअप करते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है, एंड दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूसर को कैसे अफेक्ट करता है, कंज्यूमर को कैसे अफेक्ट करता है, नॉर्मल एवरीडे लाइफ में लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, वर्कर्स को कैसे अफेक्ट करता है। छोटा सा पार्ट है, पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा और अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो दीज आर गाइज द चैप्टर्स दैट आई वॉन्ट यू टू डू। अगेन याद रखना ये सेशन सबके लिए नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे पता है बच्चे कहना मैम ये क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइज सब कुछ इंपॉर्टेंट है, टॉपर बनना है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपकी बुरी हालत है, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत सिलेबस रह रहा है मेरा, ये तो करके ही जाओ, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू डू, ठीक है। आई होप इस आज के सेशन के बाद ये वाले सेशन को देख के आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैम थोड़ा डिटेल में और बता दो कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं जिससे पास हो जाए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और हम कुछ सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पीपल हु हैव डन द एंटायर सिलेबस, राइट। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि फ्रॉम वेदांतु साइनिंग आउट। याद रखना ये सिर्फ एक बैंडेज है ना। आई एम नॉट एडवाइजिंग कि सिर्फ इतना करो, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपकी बुरी हालत है तो ये तो करके ही जाओ, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय, गिव मी अ हार्ट थम्स अप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है।